हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा आपके दिलों में, जोश जगाता रहूंगा। हेलो हेलो, हेलो। और मेरी बात दीपक जी से हो रही है? दीपक चालू ये जी, मैं अपने से मोहित बात कर रहा हूँ। सर, आप तो पेमेंट ही हो कहाँ से बात कर रहे हो? एक SBI क्रेडिट कार्ड से सर मोहित, पेमेंट ये नहीं हुआ, पैसे जी। नहीं है। क्या सर, पैसे नहीं है मोहित, पेमेंट इसलिए नहीं है। ऐसे नहीं है सर? हाँ, तो आपने ऐसे थोड़ी होता है कि ऐसे नहीं है, कैसे तो बोलूँ। आपने जब यूज करे, हाँ तो मतलब ये थोड़ी कि आपने तो फोन किया था, कुछ अरेंजमेंट करो, कुछ तो बताओ, क्या प्रॉब्लम हो रखी है, क्या हो, क्या करना चाह रहे हैं? मैं मोहित करना चाह रहा हूँ डिफॉल्ट, क्या डिफॉल्ट करना चाह रहा हूँ डिफॉल्ट। डिफॉल्ट करना चाह रहे हैं? हाँ, क्या प्रॉब्लम हुई है सर, ये बताइए आप। पैसे नहीं है मोहित, पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो हाँ, सर आपने यूज करा, पैसे देने पड़ेंगे, चाहे कम देने पड़ेंगे, सेटलमेंट कराइए। क्या कम सेटलमेंट कर दो। एसबीआई का, एसबीआई का किसका बता दो। हाँ, SBI, हाँ SBI। तो सेटलमेंट कर दो, 10% का लेटर भेज दो, कर देंगे। क्या दस, क्या कह रहे हैं आप? 10% का लेटर भेज दो, सेटलमेंट कर लेंगे। क्या दिक्कत है हमें? कोई दिक्कत थोड़ी है। बोलो 10% का। अच्छा हाँ, हमारा तो खानदानी काम है, सेटलमेंट करना हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। भेज दो 10% का लेटर, भेज क्या बोलो, रहे हो 10% का लेटर। 10% दोगे? हाँ, 10% बोल रहा हूँ। अरे कैसी बात कर रहे हो संजय जी, मतलब जैसी आप सुन रहे हो, कैसी, जब जैसी आप सुन रहे हो वैसी बात कर रहे हो। और नहीं अज, आप पैसे लोगे और आप दोगे नहीं, और आप सेटलमेंट भी अपने हिसाब से 10% पकड़ाओगे। भाई मर्जी है मेरी, क्योंकि अब ये अनसिक्योर लोन है, ले सको ले लो, 1 रुपया भी ले लो मत लो, 1 रुपया क्या भी दे रहा। अनसिक्योर लोन क्या है, कह रहे फर्जी है हो, मेरी ये, अनसिक्योर लोन क्या है फर्जी। फर्क, अरे सुनते कम हो बोलते ज्यादा हो यार, सुन ही नहीं रहे। मैं बोल रहा बात हूँ करिए। अच्छा अनसिक्योर लोन है, अगर आपसे लिया जाए तो 1 रुपया भी नहीं दे रहा। लेके दिखा दो 1 रुपया भी, लेना है 10% दूंगा, लेना है लोन, नहीं लेना कोई दिक्कत नहीं, 1 रुपया भी नहीं दे रहा। देना तो आपको सारा पड़ेगा संजय जी, 1 रुपया नहीं दे रहा, लेके दिखा दो। आप चलो ठीक है, वो तो आपका व्यवहार बता रहा है, आप कैसे बोल रहे हो, कैसा तो कैसा आपने खाया है, ठीक है नहीं। पैसे हाँ नहीं ठीक होता है। कि ले लिया, मैं अपनी मर्जी से दूंगा, 10% दूंगा या वो दूंगा, ऐसा नहीं होता। जब आपने अरे लिया तो भाई कीजिए साहब, ये कि भाई मैं आपकी साहब, जो, भाई हाँ साहब, अनसिक्योर लोन नहीं दिया है तो देने से पहले सोचना चाहिए था। मैं 1 रुपया नहीं दूंगा, ले लोगे आप मुझसे? अगर लेना है 10% लो, नहीं लेना मत लो। मतलब 10% क्यों, पैसा क्यों यूज नहीं करा आपने सारा? अरे तो भाई साहब, अनसिक्योर क्यों दिया था मुझे? देने से पहले नहीं सोचा था, नहीं दूंगा तो कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ तो हाँ तो अनसिक्योर दे दिया ना आपने, अब लेना है तो 10% ले लो, नहीं लेना तो मत लो। आओ यहाँ पे एग्जीक्यूटिव भेजो, घर पे चक्कर काटो मेरे, बात करो मुझसे, कोई फायदा नहीं निकलेगा। कॉल करो जितना चाहे उतना बात करो, घर पे आके करो, घर पे सो जाओ मेरे, दड़ी बिछा दो यहीं पे, घर पे आ जाओ। पे एग्जीक्यूटिव को भेज भी आएंगे दो। भाई, सारी जगह आएंगे, सुनो सुनो, अरे सुनो, घर पे भी अरे आएंगे। हाँ सुनो, एग्जीक्यूटिव को भेज दो, मैं दड़ी बिछा देता हूँ, एक कमरा खाली है, वो सो लेगा इसमें ही, सोएगा रोज सुबह, उठे करेगा मुझसे पूछे करेगा कि भाई पैसे दे दो, मैं उससे ना करे करूंगा, फिर कमरे में जाया करेगा, फिर अपने आएंगे, बॉस रोज को। आएंगे, अरे रोज सुन आएंगे तो लो, आपके घर पे भी अरे आएंगे, सुन तो लो पैसे फिर देने अपने, पड़ेंगे अरे सुन आपको। तो लो फिर अपने बॉस को बोलेगा, अरे सर ये पैसे नहीं दे, फिर सुबह पूछेगा, फिर बोल दूंगा पैसे नहीं है तो यही हाँ बोलेगा रोज वो। ठीक है, ऑथराइजेशन लेटर विद इम्प्लीमेंट आईडी के साथ भेज दे एग्जीक्यूटिव को, यहीं रोक लेंगे, यहाँ पे जगह है एक बंदे की, हो जाएगा यहीं पे मेरे यहाँ पे। हाँ तो आप मतलब क्या चाह रहे हैं फिर, देना नहीं आपको? ये तो आप साफ बोल रहे हैं कि मैं दे नहीं रहा 10%, ये क्या तरीका है आपका, ऐसे अरे यूज नहीं यही करते क्या आपने सारा 10% भाई यूज करा साहब, सकते? अब भाई साहब अनसिक्योर लोन देने से पहले सोचना चाहिए था ना, दे दिया तो दे दिया आपने, हमने देता नहीं लेकिन। मतलब तुम देते हैं, तुम्हारी आदत है देना हाँ मेरी आदत है ना, पड़ेगा, दो हो गए आप, लेना है 10% ले लो, नहीं लेना तो मत लो, जीरो। कुछ भी लेके दिखा दो तुम मुझसे, आपको देना पड़ेगा, लेके आपको दिखा दो दो, गए, लेके जितना दिखा दो। जितना आपने खाया, जितना आपने खाया आप दोगे। कभी ना, मैं भी TL हुआ करता था रिकवरी एजेंसी में, लेके दिखा दे हिम्मत हो तुम।
ठीक है चलिए और यहाँ पे आके अगर सोच रहे हो बदतमीजी करो, गुंडागर्दी, ऑथराइजेशन लेटर नहीं लिया, लट पट भैया, कर घर पे लगा आना के मारा पड़ेंगे। जाएगा। अगर आपने खाया है, आपने अगर खाया है तो घर भी आएंगे, घर आपके पे लिए लटकन आओ, गिर जाएगा, आप दोगे। घर पे आओ, ठीक है ऑथराइजेशन लेटर विद इम्प्लीमेंट आई डी। यहाँ पे आके अगर बदतमीजी करी, ऑथराइजेशन लेटर नहीं मिला तो लट पे तेल लगा कर मारा जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, सही कर लेगा बिल्कुल, ऐसे कर दो ना आप लेके खाते हो फिर, मैं तो ऐसे आपको करता बेस्ट हूँ, तो लट है। पे तेल लगा के घोस देता हूँ मैं तो, लट से। ठीक है देना पड़ेगा आपको तेल अपना को, ठीक है चलो बाय। ठीक है, तेल तो आएगा मेरे पास, आ जाओ। जो हुआ कॉल काट नहीं पा रहे है, टीएल का ज्यादा प्रेशर है, अपनी तरफ से कॉल भी नहीं काट सकते। अरे यार चल, तो हो इतना प्रेशर। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, राखी बात कर रही हूँ एचडीएफसी बैंक से, रिकॉर्डिंग लाइन पे विवेक भारती बात कर रहे हैं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग राखी, विवेक भारती बात कर रहे, बताओ राखी। अच्छा सर एक्चुअली वो क्रेडिट कार्ड के पेमेंट कंफर्मेशन के लिए कॉल किया था, कौन से क्रेडिट कार्ड के पेमेंट? एचडीएफसी। एचडीएफसी। राखी जी ये पेमेंट ना मैं दूंगा नहीं, हाँ जी, ये पेमेंट दूंगा नहीं मैं। रीजन जान सकती हूँ सर? रीजन मुझे ना आज ही मेरे जो पंडित जी हैं वो मेरे सारे शुभ मुहूर्त निकालते हैं, तो उन्होंने आज ही शुभ मुहूर्त निकाला है कि डिफॉल्ट करने का जो है ना दिन आज, आज से डिफॉल्ट करना है और परमानेंटली 1-2 साल का करना है। सर सॉरी बट मैं ये अपडेट नहीं कर सकती हूँ, मुझे एक रीजन बता दीजिए कि मैडम आपके एज मैडम लिमिट नहीं है वो नहीं मैडम हो पाएगी। मैडम मैं क्या बताऊं आपको, पंडित जी ने मुझे बोला कि आज आपकी डिफॉल्ट करने की डेट है, आज से आपको डिफॉल्ट चालू करना है और कम से कम 2 साल तक लगातार डिफॉल्ट रखना है चालू। अच्छा क्या मैडम? मतलब आप 2 साल तक पेमेंट नहीं करेंगे ना? हाँ मैडम, 2 साल तक हाँ डिफॉल्ट मतलब चालू रखना है। इंटेंशनली आप पेमेंट नहीं करेंगे, ठीक है हाँ तो सर। मैडम मैं यही बोल सकता हूँ आपको, जो पंडित जी ने डेट दी है ना। नहीं, ये सर ये जो आप बोल पहली वाली स्टेटमेंट, मैं ये अपडेट नहीं कर सकती हूँ हाँ जो तो आपने। मैडम सुन तो लो, सुनी मेरी, बोल बोल जा रही मैडम, आप सुनती कम है हाँ नहीं मैडम। नहीं नहीं तो सर, ना आपके सुनने के लिए मैडम बोलिए। मैडम तो ना, जो पंडित जी ने डेट दी तो उसके अकॉर्डिंग ही इंटेंशनली समझ लो आप, 2 साल तक पेमेंट नहीं होगी। ठीक सर वही सेम चीज रिपीट कर रहे हो, मैं बोल तो रही हूँ, अपडेट कर देती हूँ मैं। थैंक है यू सो मच। मैडम, हेलो, यस। मिसेस समीर बात कर रहे हैं? हाँ समीर मिश्रा बात कर रहे हैं। आवाज कट रही है अब? हाँ हेलो, आवाज आ रही सर? अब आ रही है। हाँ जी सर, आपके क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग कॉल किया था, कार्ड मिल रहा है आपको सर? मैडम आपका नाम, आपका नाम दोबारा बताने, क्या होता है? एक्सिस बैंक के बिहार से ताशु बात कर रही हूँ, रिकॉर्डेबल लाइन पे। ताशु? हाँ जी। हाँ ताशु जी बताइए। आप आपका कार्ड नंबर है 2520 राइट? हाँ मैडम। आउटस्टैंडिंग अमाउंट है आपका 1,88,847 रुपीज का, मिनिमम अमाउंट है आपका 42,325 रुपीज का। हाँ मिस्टर मैडम। समीर जी आज में कितना पेमेंट करवा रहे हैं आप? मैडम आज में करवा देंगे 0। हाँ जी 0-0। 0? हाँ क्यों? क्योंकि मैडम पैसा नहीं है। अरेंज करिए ना, मेरे फ्रेंड या फैमिली से अरेंज कर लीजिए। ओके थैंक यू मैडम आपने बताने के लिए, हमें तो पता ही नहीं होता अरेंज हमको उसके। पता है करवा रहे हैं, पता तो सबको है मैडम। जब कोई कस्टमर कहता है ना कि मैडम मेरे पास पैसे नहीं, तो इसका मतलब ये वो हर जगह ट्राई कर चुका, वो हार गया। आप लोगों के कहने से वो दोबारा ट्राई करेगा, दोबारा हारेगा, कोई फायदा थोड़ी है। हम भी कह रहे हैं कि आप कार्ड पे रिक्वायरमेंट है, नहीं तो आपके साथ लीगल इनिशिएट एक्शन लिया जा सकता है सर। लीगल नाम की मैडम कोई चीज नहीं होती, मैं भी कभी किसी एजेंसी में टीएल था, जो आप लोग बैठी हुई ना वही रिकवरी एजेंसी में था, आप जिससे मिलते वो ट्रेनिंग दिया मैं। ठीक है लीगल को जो सकता हो तो आप कर लेंगे। ओके मैडम। हेलो 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 जी, अमित चौधरी जी बात कर रहे हैं? हाँ अमित चौधरी जी, मैं हरमीत बात कर रहा हूँ कोटक महिंद्रा बैंक के भी अफसर कोटक से। बताइए अनिल जी। सर आपका क्रेडिट कार्ड है, कार्ड नंबर 4016, उसकी कुछ पेमेंट पेंडेंस में रहती है सर? हाँ पेमेंट पेंडिंग है। हाँ जी पेमेंट पेंडिंग है।
जी तो इवन जान सकते हो सर क्या इशू हो रहा है अपने गाड़ी में? फंड इशू चल रहा है सर। हाँ जी कह रहा हूँ फंड इशू चल रहा है सर। फंड का चल रहा है सर समझा ना अच्छी आवाज में। मैं कह रहा हूँ फंड इशू पैसे नहीं है मेरे पास देने के लिए। अच्छा तो सर एटलीस्ट मिनिमम तो आप करते चलते हर महीने की तरह मिनिमम सर करते करते मैं कंगाल हो गया। मैंने दोस्तों से लोन ले लेकर मिनिमम भरा आपका लेकिन अब नहीं है भरने की क्षमता। अब आपने आपके सामने आपने 22 तारीख को पैसे आपने 8500 रुपए डाले हमने 23 तारीख को निकाल लिए हैं तो मिनिमम भर रहे हो आप फिर विड्रॉल भी कर ले रहे हो सर वो भी कहीं तक सही है ना। क्या करें सर मैं मिनिमम उधार ले लेकर भी मिनिमम दिया आप उसे सस्टेन करके रखो आगे दिक्कत ना आए एटलीस्ट। बाकी इसको एक दो महीने बाद तो रखते हैं एक दो महीने का टाइम नहीं है एटलीस्ट आप मिनिमम जमा कर दीजिए जमा करने के बाद बाकी बैलेंस ईएमआई में कन्वर्ट करा लीजिए। क्या करें सर पैसे होने चाहिए पैसे नहीं है मैं आपको वही तो समझा पैसे नहीं है हम आपसे ये तो बोले आप ऑन द स्पॉट कर दीजिए थोड़ा आप टाइम दीजिए आप थोड़े टाइम के बाद कर दीजिएगा। ठीक है सर ट्राई करता हूँ। हाँ जी ट्राई करता हूँ। तुम आपसे कब तक कनेक्ट कर लो सर पेमेंट की कंफर्मेशन के लिए? कर लेना एक महीने बाद आप। क्या चाहिए? एक महीने बाद सर एक महीने का टाइम है ऑलरेडी आपको बता दो महीने हो गए हैं। सर आपको वही तो समझा रहा हूँ पैसे नहीं है मेरे पास लेकिन आपको समझ एटलीस्ट सर मिनिमम रेंज कर लीजिए 10,500 है वो आप कर दीजिए जो रिमेनिंग बैलेंस बचेगा बाकी का उसे ईएमआई में कन्वर्ट कर लीजिएगा। सॉरी सर। हाँ जी सॉरी सर सॉरी वाली बात ही नहीं है पेमेंट आपने यूज कर लिया तो उसी की पेमेंट तो करनी है। मैं आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ बस रिमेनिंग बैलेंस को ईएमआई में कन्वर्ट कर लीजिएगा। मैं आपसे सोल्यूशन लेने नहीं जा रहा ठीक है तो सर कैसे मैनेज होगा बताइए। ये एक दो महीने बाद जब मैं कह रहा हूँ ना एक दो महीने बाद कर दूंगा। आपसे अगर मिलना हो सर कौन सा एड्रेस पे मिल सकते हैं? जो एड्रेस आपको दिया उस पर ऑथराइजेशन लेटर विद इम्प्लीमेंट हाउस नंबर 347 ही है ना ये फर्स्ट फ्लोर ऑथराइजेशन लेटर विद इम्प्लीमेंट आईडी लेकर आप आए मुझसे मिले उससे बातचीत करें फिर क्या चीज चाहिए आपको? ऑथराइजेशन लेटर विद इम्प्लीमेंट आईडी लेकर आप आए मुझसे मिले मुझसे ऑथराइजेशन लेटर से कुछ चीजें चाहिए बताइए। क्या कह रहे हो? ऑथराइजेशन लेटर आपको किस चीज का चाहिए? एम्प्लॉय आई डी है ना सर हमारे पास। ऑथराइजेशन लेटर मुझे इस चीज का चाहिए कि आपको बैंक वालों ने कहा है कि आप घर पे जाके पैसे ले लो ठीक है उसको बोलते हैं होम विजिट लेटर भी बोलते हैं कि आप विजिट करने आए हो तो आपको ऑथराइज किया है बैंक ने तो वो लेकर आ जाना आप ठीक है। कोई इशू नहीं सर उसके साथ ही आएंगे आपके पास आगे आपसे मिलते हैं आपको समझाते हैं सोचते हैं फिर आपको भेजते हैं आपके पास। अरे घुमा क्या रहा हूँ भाई तुमने जब अपने मुंह से तुम जस्ता हो तुमने बोल दिया कि इंटेंशनली है तो इंटेंशनली हो गया ठीक है आप आओ घर पे मुझसे मिलो। अरे मैं क्या कह रहा हूँ आप आओ मुझसे मिलो बातचीत करो आपको आपके घर भी विदा करते हैं यहाँ से पूरा आप समझाओ समझो सब कुछ। आप जो चीजें बोल रहे हो ना आप बोल रहे हो कि आप घर आके दिखाओ मैं बताता हूँ घर आके मत दिखाओ आपको लड़ने वाली थोड़ी बात है पागल हो रहा है मैं ये थोड़ी बोलूँ मैं कह रहा हूँ ऑथराइजेशन लेटर लेकर आप आओ आप मुझसे बात करो मुझे कुछ बातें समझाओ मैं आपको कुछ अपनी बातें समझाऊँ फिर आपको अपने घर से आपके घर की ओर विदा करो ये बोल रहा हूँ। मैंने कहा आपसे लड़ाई वाली बातें करी आप भी ज्यादा सुन ले रहे हो। ठीक है सर आप आओ मोस्ट वेलकम। किसको फोन लगाया सर? राकेश। राकेश समझ गया मैडम। हाँ ये पेमेंट ना मैं कर दूंगा दो महीने बाद कर। दो महीने बाद क्यों करेंगे सर? मैडम पैसे नहीं है ना अभी। नहीं पैसे लेते दो महीने से क्या कर रहे थे सर? दो महीने तो आपके ऑलरेडी हो गए ना। दो महीने से मैडम गांव में खेती कर रहा था अपने। तो गांव में खेती कर रहा था तो लोन लेते वक्त आपने सोचा नहीं था सर कि मैं जब लोन ले रहा हूँ 1,18,000 का मैं भरूंगा कैसे? नहीं मैडम मैं इतना सोचता नहीं हूँ ना इसके नीचे बॉल पेन रखते सोच लेना चाहिए था ना सर। जब सोच लेना चाहिए था ना जब भरने नहीं मैडम जब मैंने जब मैंने शादी की थी ना जब मैंने शादी अरे मैडम जब मैंने अरे मैडम सुन तो लो सुन मेरे बोले जा रही है जब मैंने शादी की थी ना जब मैंने शादी की थी तो ये कठिन फैसला भी मैंने ले लिया था कि मुझे शादी करनी है मैं सोचता थोड़ी ले लेता हूँ। क्यों लिया था? नहीं लेना चाहिए था ना क्यों किया?
नहीं मैडम क्या करें, फैसला ले लिया, करनी है तो करनी है शादी। नहीं करना चाहिए था। अरे हम तो शादी नहीं करनी चाहिए, उतावले हो रहे होंगे सर। शादी नहीं करनी, नहीं मैडम उतावला नहीं हो रहा था, मुझे पता था बीबी मारे की बात में, लेकिन मैंने सोचा चलो फैसला ले लिया तो ले लिया। ले लिया ना तो पेमेंट, जब फैसला ले लिया ना तो, जब पैसा ले लिया ना तो पैसा भरना भी चाहिए सर। मैडम देने का फैसला लिया नहीं है मैंने, आपको तो मैडम समझाना काम है ना मैडम, मुझे जो है ना एग्री करो आप, मैं फैसला लूँ लेने देने का। अच्छा कैसे दूंगा मैडम, कर दो बेवजह क्यों आप बहस कर रहे हो सर। 12,511 रुपए है, डिस्काउंट करके 10,122 रुपए है। ये मैडम अगर मैं पेमेंट नहीं दूंगा तो तुम्हारी सैलरी रुक जाएगी। हाँ सर रुक जाएगी सर। अरे ये तो मैडम एक काम करो, आप बिना सैलरी के रहो, मुझे तो पेमेंट तो मिलने वाली है। तो मतलब आप यही चाह रहे हो ना सर, आपकी वजह से मतलब किसी की सैलरी होल्ड हो जाए सर। हाँ मैडम क्योंकि मैंने ना फैसला ले लिया, मैं पैसे नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा सर? क्योंकि मैडम नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा, ये फैसला है ना मेरा, मेरा फैसला मैं ले लेता हूँ। बताओ क्यों नहीं दूंगा, क्यों नहीं दूंगा मैडम? इंटेंशनली क्यों नहीं दूंगा? इंटेंशनली हो गया ना क्या? इंटेंशनली नहीं, नहीं क्यों नहीं देंगे? अरे मैडम लग रहा है आपने ढंग से किताब को भी नहीं पढ़ी है, पहले आप डीआरए करो, ट्रेनिंग लो दोबारा टीएल से। एक्सक्यूज मी हेलो, यस मैडम क्या बोल रहे हो? मैडम पहले आप जो है ना दोबारा डीआरए करो, ट्रेनिंग लो टीएल से। अच्छा 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 सर, उसकी जरूरत आपको है सर, हमको नहीं। नहीं मैडम मैं तो टीएल ही था, मैं तो टीएल ही करके आई हूं। अरे सर जब वो थे ना तो आपसे ये जो लोन है ना सर, जो 2 महीने से ड्यू करके रखा है सर, इतना तो पता होगा ना कि आपकी प्रोफाइल पे क्या क्या इफेक्ट आ रही है। हाँ मैडम क्या डिफॉल्टर हो गया? डिफॉल्टर हो गया? हाँ डिफॉल्टर हो गया, वही तो कह रहा हूँ डिफॉल्टर आ रहा है। आपकी प्रोफाइल खराब हो रही है आपको नहीं पता सर? अरे मैडम मैडम आपने बता दिया मुझे तो पता ही नहीं था। पता है ना? हाँ मैडम एनपीए के बाद डिफॉल्टर हो जाऊंगा, पता है ना? हाँ मैडम मैडम आपने बता दिया मुझे तो पता ही नहीं था, एनपीए के बाद डिफॉल्टर हो जाते हैं। ओके थैंक यू मैडम, आपको तो थैंक यू मैडम, बहुत जानकारी है सर। नहीं मैडम मुझे नहीं पता राइट ऑफ क्या होता है, नहीं मैडम कसम से नहीं पता राइट ऑफ क्या होता है। सुनिए ना बहुत ज्यादा आपको पता है सर। मैडम जॉब कर लेते सर, इसी चीज का काम कर लेते आप, ठीक है, और पैसे भर देते सर कंपनी का। हाँ जितना आप बड़े बड़ी बातें कर रहे हो, जितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो उतना मैं अपना कमा लोगे ना और पेमेंट कर भर दोगे सर। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो ना सर। नहीं पता सर शालिनी कौन है? नहीं पता, मतलब मदर का भी नाम भूल जाते हो। अच्छा मैडम मदर है क्या आपकी? अरे मैडम सॉरी, आपकी मदर से क्यों सीख दूंगा, पागल हो क्या मैडम? कोई मदर की बात कर रही हूँ, आप मेरी बहू थोड़ी लग रही हो, आप मेरी वाइफ थोड़ी लग रही है, जो आपकी मदर से सीख दूंगा। दोस्तों आइए साथ मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो रिकवरी एजेंसियां हैं, रिकवरी एजेंट हैं, या फिर यूं कहूं कि बैंक और एनबीएफसी हैं, जो हमारे अधिकारों को कुचलकर रिकवरी करते हैं, इनसे अपने अधिकार छीनते हैं, लड़ते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।